आपको एटलीस्ट छह महीने से एक साल रखना होगा प्रिपरेशन के लिए बट अब ये टाइम जो है वो शॉर्ट हो गया पहले ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था तो थोड़ा सा मुश्किल जाती थी स्टूडेंट्स को बट अब अगर आपको एक्सेस जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा तो आपको ईजी हो जाएगा दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज बट आपको इस केस में फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी होगी क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर सिटीज में तो बढ़ी गई है इन जनरल पूरे जर्मनी में बढ़ गई है कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑलरेडी सोच रही हैं फीस डालने के लिए दो ईयर आपको मिलेंगे अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैं खुद सुरभि इंडियन गर्ल और आज फिर से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ मैं नमस्ते और वेलकम अगेन इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड या अगर आप जॉब के लिए यूरोप में आना है तो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो क्योंकि इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो 2024 से वैलिड है एंड द बेस्ट थिंग इज कुछ बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए जिससे अगर आप भी सपना देख रहे हैं स्टडी करने आने का यहाँ पर तो आपके लिए पॉसिबल होगा तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट अगर आपके मन में पहले से ही कुछ क्वेश्चन हैं तो वो लिखो हो सकता है इस वीडियो में हम आंसर करेंगे और लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो पाए तो हम सबसे पहले बात करते हैं वीजा और एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस हुए हैं या जो भी बदलाव हुए हैं 2024 में सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ है कि ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है वो चेंज हो गया है अब ये अमाउंट जो है वो 11,902 यूरोस हो गया है तो वो आपको दिमाग में रखना चाहिए इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी आपको वैसे तो फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर जो है वो डेट है जब आपको अपडेटेड अमाउंट शो करना है बट अभी से कर दो बिकॉज बहुत सारी या कॉन्सुलेट जो है वो अपडेटेड अमाउंट लेने लगे हैं और पुराना अमाउंट रिजेक्ट करने लगे हैं तो वीजा रिजेक्शन या फिर आपके डिले से बचने के लिए आप अपडेटेड अमाउंट जो है वही ब्लॉक्ड अकाउंट में करवाओ अब सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह है कि पहले प्रोसेसिंग टाइम जो होता था वीजा और एप्लीकेशन का वो तीन से चार महीने होता था जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था बट अब बिकॉज बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज या सारी ही यूनिवर्सिटीज जो है

पढ़ाई करने आ सकते हो तो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम अब टाइम बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ डिजिटल फॉर्म्स ऑनलाइन इंटरव्यूज पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको एटलीस्ट छह महीने से एक साल रखना होगा प्रिपरेशन के लिए बट अब ये टाइम जो है वो शॉर्ट हो गया अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि रिलेटेड टू आप अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं या आप कितना टाइम जो है वो वर्किंग के लिए अलाउड है तो पहले ये जो था ये 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज वर्किंग के लिए आप अलाउड होते थे स्टूडेंट्स अब जो है ये टाइम बढ़ गया हैं इससे आप ज्यादा लेकिन ये वो भी बढ़ गई है तो आप जो है वो अच्छा खासा यहाँ पैसा कमा सकते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो है जो सारे अपडेट्स रिलेटेड टू आपका कितना अमाउंट बढ़ा है मिनिमम वेज क्या है कितना पैसा आप कमा सकते हो कहाँ से कमा सकते हो उसके ऊपर पूरा वीडियो पे जो है वो, है. जो है वो भी स्टूडेंट के फेवर में है एंड आई रियली लाइक दिस चेंजेस जर्मनी में वो है डिजिटलाइजेशन या फिर ऑनलाइन या हाइब्रिड काम या फिर आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको अब यहाँ पर स्टूडेंट को बिकॉज अब जर्मनी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है तो आपको स्टडी मटेरियल हो गया असाइनमेंट्स ऑनलाइन हो गए उसको सबमिट करना ये सब जो है वो ऑनलाइन पॉसिबल है पहले ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था तो थोड़ा सा मुश्किल जाती थी स्टूडेंट्स को बट अब अगर आपको एक्सेस जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा तो आपको ईजी हो जाएगा दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हाइब्रिड हाइब्रिड की तरफ अब बढ़ रहे हैं दैट मीन्स कुछ क्लासेस जो है वो आपको पर्स पर्सनली जाके लेनी पड़ेगी और कुछ क्लासेस जो है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं इससे अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या आपका और कोई फ्री काम है उसके लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आप कुछ हद तक जो है वो ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड इन दैट केस अगर कुछ टाइम आपको इंडिया में रहना है तो आप वहां पर भी रह के जो है वो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हैं या अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हैं बट मेक श्योर की आपकी यूनिवर्सिटी में हाइब्रिड मॉडल कैसे वर्क करता है वो आपको जान

आपको फाइनेंशियल जो है वो ज्यादा दिखाने पड़ेंगे तो आपको इस केस में अफकोर्स दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज बट आपको इस केस में फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी होगी क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर सिटीज में तो बढ़ी गई है इन जनरल पूरे जर्मनी में बढ़ गई है और हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है वो भी बढ़ गया बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी फिंटिबा अगर फिंटीबा से आप ब्लॉक्ड अकाउंट कराते हैं तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसा मैंने बताया प्राइजेस बढ़ गए पर अगर आप फिंटिबा प्लस पैकेज जो है वो लेते हैं तो आपको फ्री मिलेगा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस इसके अलावा अब हेल्थ इंश्योरेंस के पार्टनर उनके साथ बार्मर है जो कि काफी बेस्ट है जर्मनी में वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर है है बार्मर एंड द अदर थिंग इज जो बहुत अच्छी बात है कि आपको इंग्लिश सपोर्ट मिलेगा तो कहीं पर भी आप फंसोगे नहीं इंग्लिश सपोर्ट पर ही काम कर लेता है ये पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट अगर आप से कराते हैं तो थर्टी फर्स्ट लास्ट डेट है आप जो है वो स्कॉलरशिप लाइक गोल्डन टिकट टू जर्मनी जीत सकते हैं मतलब पूरा जो ब्लॉक्ड अकाउंट एक साल का खर्चा है वो आपको रिफंड हो जाएगा लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अदर चेंजेस रिलेटेड टू कल्चरल कल्चरल्टन यहाँ पर आपको जैसे पता है जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है इवन आप इंग्लिश थॉट प्रोग्राम में भी आ रहे हैं तो मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज ने जो है वो आपको इजिली ऑनलाइन जर्मन कोर्सेज यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज दे रही हूँ क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा तो ऐसा होता ही है कि लगता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी तो यहाँ पर जॉब सर्च का मतलब स्टडीज के बाद जॉब सर्च का टाइम था 18 मंथ्स जो कि अब अपडेट कर दिया गया है 24 मंथ्स दैट मींस ऑलमोस्ट दो ईयर आपको मिलेंगे अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो वैसे तो स्टूडेंट्स को उससे पहले ही जॉब मिल जाती है बट इन वर्स्ट केस में भी आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप इजीली यहाँ पर जॉब सर्च कर सको जॉब फाइंड आउट कर सको और फिर अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर सको डिजिटल प्रोग्राम और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर लिए गए हैं बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं 2024 टू दैट ट्वेंटी अब आपको आइल्स और चौफिल की जरूरत पड़ेगी और मेक श्योर sure कि आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हों और आप अच्छा स्कोर कर सको ताकि आप यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन ले सको और आप चेकआउट कर सकते हो फिनटीबा का गोल्डन टिकट टू जर्मनी जिसमें आपका पूरा ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा इलेवन थाउजेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कुछ वीडियोस में कि यहाँ पर सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री नहीं होती हैं कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पैसा होता है जैसे वॉटेन वोटम्बर्ग जो स्टेट है उसमें सारी ही यूनिवर्सिटीज में अराउंड टू थाउजेंड भी अब हंड्रेड यूरोज बढ़ गई है और कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑलरेडी सोच रही है फीस डालने के लिए तुम जो है ऑलरेडी उन्होंने फीस इंट्रोड्यूस कर दी है इसके अलावा जो लोअर सेक्सनी है या नॉर्थ राइन है वहां पर भी फीस इंट्रोड्यूस करने का जो है वो लोग सोच रहे हैं

इंपॉर्टेंट कि आपको जानना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस जर्मनी में आ रहे हैं जो भी रेलिवेंट लोग हैं उनसे ये वीडियो शेयर करो और आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट करो हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक सब्सक्राइब जो है वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा तो वो ज़रूर कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो